प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लिए जासूसी कर रही लॉ स्टूडेंट युवती को कोर्ट ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा है। रिमांड के पहले दिन सोमवार को युवती ने पुलिस को कुछ लोगों के नाम बताए हैं। इसके अलावा वह जहां जहां रही है वहां पर जांच के लिए टीमें रवाना कर दी गई है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। दरअसल PFI की ओर से इंदौर की कोर्ट में बिना अनुमति वीडियो बनाकर जासूसी कर रही सोनू मंसूरी के खिलाफ एडवोकेट सुरेंद्र सिंह अलावा और गोविंद सिंह बेस ने केस दर्ज करवाया है। जासूसी के दौरान उसे अन्य वकीलों ने पकड़ा था। तलाशी लेने पर उसके पास काफी रुपए भी मिले थे। मामले में MG रोड पुलिस ने बताया, सोनू मंसूरी मूलतः सनावत की रहने वाली है। देवास में LLB थर्ड ईयर की स्टूडेंट है। इंदौर में 6 माह से नूरजहां खान के साथ प्रैक्टिस कर रही है। उसके पास से जो रुपए मिले हैं वह नूरजहां खान ने उसे एक क्लाइंट से दिलवाए थे। फिलहाल इसका पता लगाया जा रहा है। उसका मोबाइल भी जब्त किया गया है जिसकी डिटेल निकाली जा रही है। साथ ही सोनू मंसूरी जहां किराए से रहती थी वहां वह किसके संपर्क में थी इसकी भी जांच जारी है। जी, उसमें अपराध पंजीबद्ध करने के बाद अभी लगातार उससे पूछताछ जारी है। उसमें कई और लोगों की संलिप्तता पाई जा सकती है। इस कारण से महिला आरोपिया का PR लिया गया है 3 दिवस का, और अभी पूछताछ उसमें जारी है। जो जो जगह उसने बताई है, जहां वो जिनके साथ रही है, जहां से वो पड़ी है, उनकी तस्दीक करने के लिए टीम रवाना कर दी गई है और अभी लगातार जाँच चल रही है।